रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पांडे और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेंटर, तो सोचिए चर्चा बड़ी होगी और चर्चा जब बड़ी होती है तो रातों रात या फिर खुटा ठोक होता है। रातों रात में आज चर्चा होगी बिहार के राजनीति की, अगला बिहार का सीएम कौन होगा उस पर चर्चा होगी। जो चर्चा होगी वो थोड़ा आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये उतना ही सत्य है जितना सूरज का पूरब से निकलना और पश्चिम में डूबना सत्य है। तो चर्चा शुरू करते हैं बाबा। सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम बा बिहार के और पूरा देश के। चर्चा बड़ा ऐसे हो जाता जी कि जौन बात तू बतैला है कि बिहार में 2020 में के हुई मुख्यमंत्री, एकर फैसला झारखंड में हुई। बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला झारखंड में? बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला झारखंड में हुई। जी, क्रिकेट मैच तो देख लो भैया, और भी फुटबॉल मैच भी देख लो, और भी मैच देख लो, वो मैच में अलग अलग तरह के खेल होला। जी जी, पहले ग्रुप मैच होला, ओकरा बाद सेमीफाइनल होला, ओकरा बाद फाइनल होला, क्वार्टर फाइनल भी ओकरा पहले होला। जौन मेन खेल के फैसला रहला उ देश के फैसला रहला और उ हो चुकल बा, यानी कि टेस्ट मैच हो चुकल। अब 2020 के फैसला बा। 2020 के फैसला से पहले जौन सेमीफाइनल और ग्रुप मैच होके वाला बा, ओकर फैसला झारखंड और यह साल के अंत में होके वाला कुछ चुनाव करी। जी, बिहार से सटल राज्य बा झारखंड, जौना के चुनाव के बिगुल अब फुका गिल बा। भारतीय जनता पार्टी जम के तैयारी शुरू कर देले बा और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जदयू भी ताल ठोक देले बा कि उ झारखंड में सब सीट, यानी कि 81 सीट जौन झारखंड के बा, वो सब पर अपन उम्मीदवार खड़ा करी। और यह ना जदयू के कहना बा कि हम ओजा सत्ता में आवे तक संख्या जुटा ले। ये बहुत बड़ा बात बा। अब एकरा के कैसे हम बतैनी हाँ, यह कैसे चर्चा बा कि झारखंड में फैसला होई कि बिहार के मुख्यमंत्री के होई। जी बिल्कुल, ओजा नीतीश कुमार जी के जौन वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री बा, उनकर पूरा प्रतिष्ठा लागी। खुद नीतीश कुमार यह महीना के खत्म होते फर्स्ट वीक में सितंबर में जा रहल बा झारखंड। एकरा पहले एगो खबर जौन लगातार तहन के देखावत रह लोग, वो खबर रहला कि एगो झटका लागल बा। जी, झटका ही लागल बा कि नीतीश कुमार जी के पार्टी लगातार अपन जनाधार बढ़ावे में और एकरा साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनावे खातिर कुछ जो जरूरी चीज होला ओकरा में झारखंड चुनाव या अलग अलग राज्य में चुनाव लड़ करके सीट जीतना जरूरी होला। केंद्र में उनकर स्थिति ठीक ठाक हो गई बा। अब केल 2019 के चुनाव में 17 में से 16 सीट जीत के आए बा। एकरा साथ साथ झारखंड में वो घोषणा कर दिले रहन कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ी है। एकर दूगो कारण हुई, एक तो झारखंड में उनका प्रदर्शन कैसन हुई ओकरा लेकर के दू तरह के बात हो रहा बा, लेकिन वो बात के चर्चा बाद में करब। लेकिन जो नीतीश कुमार के प्रभावी करे वाला हुई बिहार के मुख्यमंत्री के कैसे फैसला हुई झारखंड में, वो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे हो जाता है कि ओजा अलग अलग नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी हैं। RJD भी अपन ताल ठोक ले बा। जी बिल्कुल, कांग्रेस भी अपन ताल ठोक ले बा, लेकिन कांग्रेस RJD संभावना ज़्यादा बा कि वो एक गठबंधन के तहत लड़ी। जी, लेकिन NDA जब बिखरल रही, मुकाबला त्रिकोणीय हुई। ठीक बा, मुकाबला त्रिकोणीय हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में अपन मुख्यमंत्री के मांग उठा रहा बा, बिहार भाजपा के नेता लोग उठा रहा बा लगातार मांग, जो खबर हमने के लगातार चलाते हैं। बिल्कुल, तो झारखंड में प्रदर्शन कैसन नीतीश कुमार के रहता ओकर असर निश्चित रूप से बिहार में हुई। यह बात हम कहल चाहतनी कि अगर ओजा RJD झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भी जौन दल बा मिल करके जौन महागठबंधन बनी हैं ओकरा में प्रदर्शन कैसन होता महागठबंधन के, त्रिकोणीय मुकाबला बनावे वाला नीतीश कुमार के पार्टी के कैसन प्रदर्शन होता और NDA के प्रदर्शन कैसन होता, यही पर निर्णय हुई कि बिहार के पड़ोसी राज्य में जेकर जितना संख्या बल हुई वो प्रभावी करी और लोग के बिहार के लोग के भी सोच के नया दिशा दी कि बिहार में केकर सरकार बनी और रुझान पता चली, चूँकि बिहार से कट के ही झारखंड बनल बा, कमो बेस तासीर हो जाके जलवायु भी लगभग बिहार से मिलता जुलता बा, लोग के मन मिजाज भी मिलता
अब एकरा के लड़ाई के दिलचस्प बनावे खातिर जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे कद्दावर नेता अनुभवी और बिहार में एक लंबा राजनीतिक जीवन बिताए वाला नंदकिशोर यादव के प्रभारी बनाई लेगा जी। आज नंदकिशोर यादव के प्रभारी बनौला के बाद उनका के सब जगह से शुभकामना भी मिलता। काल है उनका जन्मदिन भी रहे जी। सबसे पहले तो जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई नंदकिशोर यादव जी के जी। एकरा बाद जहाँ एक तरफ नंदकिशोर यादव पर दाव खेल लेवा भारतीय जनता पार्टी और नंदकिशोर यादव ताल ठोकता रहे कि 81 में से 65 सीट जीती हैं जी। उनका समर्थन में पूरा भारतीय जनता पार्टी झारखंड पीछे पीछे लाग गिल बा। आज सू के साथ उनका गठबंधन बा ओजा ठीक बा। अब अगर 65 सीट जीते का दावा बा तो ये दावा बड़ा बा। और अगर 65 सीट जीत करके फिर से सरकार बनाओ था झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास मुख्यमंत्री हुई हैं ये भी बात क्लियर बा। उनके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाता। अब ओजा से जब जीत हार के आंकड़ा हुई जब चुनाव होके लगी तो RJD भी अपन ताल ठोकले बुड़ू और अपन प्रभारी बनौले बुड़ू जयप्रकाश नारायण यादव के यादव वर्सेज यादव माने भारतीय जनता पार्टी के यादव के मुकाबला में अपन प्रभारी जो झारखंड के बनैले बड़ा जयप्रकाश नारायण यादव जो उनके लालू प्रसाद के बहुत करीब रहा बड़ा राजद के वरिष्ठ नेता भी रहे राजद के वरिष्ठ नेता भी बड़ा केंद्र में मंत्री रहा बड़ा बिहार सरकार में मंत्री रहा बड़ा अनुभव उनका लगे बड़ा बा। और सबसे बड़ा बात बा कि रामकृपाल यादव के और श्याम रजक के राम और श्याम के जोड़ी लालू प्रसाद यादव से जब अलग भइल तो जयप्रकाश नारायण यादव उनका सबसे करीबी बहुत नज़दीक के नेता बड़ा और उनका राजनीति के दूसरा पीढ़ी के लीड कर नंद किशोर यादव को टक्कर देने के लिए है बिल्कुल जी। अब एक चीज़ तो बा कि जहाँ झारखंड में RJD बुरी तरह से पिछड़ रहा बा लगातार लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड RJD के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिली अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी में चल गई लोकसभा चुनाव भी लड़ली जीत भी गई उस सब बात भइल ओकरा बाद दूसरा के बनावल गई तो ओकरा खातिर पार्टी में विद्रोह भइल चुनाव में गठबंधन धर्म के निभाते हुए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहे ओकरा से कांग्रेस के साथ लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव भइल ओकरा के लेकर के पार्टी में बहुत सारा उखाड़ कबाड़ भइल इस सब के लेकर के जौन स्थिति अभी झारखंड में बा कि नीतीश कुमार पर दो तरह के दाव चलता। नीतीश कुमार यदि झारखंड में बेहतर प्रदर्शन कर लेता रहे तो एक बात पक्का हो जाएगी कि बिहार में नीतीश कुमार के हिलावे डोलावे वाला मुख्यमंत्री के पद से कोई ना हुई। लेकिन अगर नीतीश कुमार के ओजा स्थिति बिल्कुल ही गंभीर रहता और ओजा एक भी सीट जीतने से कामयाब नहीं हो तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के छवि पर बट्टा लगी ऐसे कि जौन चुनाव चिन्ह कर रहे तीर छाप वो फ्रीज हो चुकल बा। और फ्रिज भैला के खबर भी उनके देखा नहीं जा नहीं के देख ले पीछे देख सके रुआ लोग हाँ। और वो फ्रिज भैला से पार्टी के कहना बा झारखंड के जौन प्रभारी बाड़न रामसेवक सिंह ये भी मंत्री बनावल। फ्रिज होने का कारण ये है कि झारखंड में एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका भी चुनाव चिन्ह है तीर और धनुष। जब वो बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने आ रही थी उस समय जदयू ने ठीक कहत रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जौन बाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह लगभग सिमिलर हो जाता तीर धनुष उनको बढ़ुए और इनकर भी तीर बा। यह चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में आरोप दाखिल के लिए जनक संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग जौन बा तो नीतीश कुमार के चुनाव चिन्ह झारखंड खातिर फ्रीज कर दिलस। लेकिन अकेला बात नहीं है बिहार में भी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े खातिर आ रहे थे जदयू इसने कुछ काम कर ले रहे और एक बदला ले। लेकिन खैर इस सब के बाद दरकिनार करते हुए जब अब चुनाव जौन बा वो रामसेवक की जो प्रभारी बनावल गई बड़े झारखंड के जदयू के तरफ से वो भी कदावर नेता बड़े और नीतीश सरकार में मंत्री भी बड़े। अब उनका कहना बा कि हमने खातिर चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है हमने खातिर महत्वपूर्ण बा नीतीश कुमार के छवि उनका चेहरा और यह चेहरा के बदौलत हमने के देश के कहीं कोनो राज्य में जीत के आ सकी ले। उनकर सीधे सीधे इशारा जो रहा वो अरुणाचल प्रदेश पर रहा अरुणाचल प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा और वहाँ 7 सीट जीत करके आए। हाल फिलहाल में अरुणाचल से जो विधायक बड़े सब आए रहा तो लोग के साथ अथी मुलाकात भी भैया और काफ़ी सोशल मीडिया में के चर्चा में भी लिया गया। लेकिन इस सब बात के बाद जो बात बा वो बात ई बा कि कहीं ना कहीं झारखंड में जो चुनाव हुई 81 सीट पर वो बिहार के भविष्य तय करी। भारतीय जनता पार्टी के भी नीतीश कुमार के दिखावे खातिर और बतावे खातिर उनकर औकात में ले आवे खातिर एगो मौका मिली। चूँकि झारखंड से अगर बढ़िया प्रदर्शन निकल तो भारतीय जनता पार्टी चढ़ जाए अगर बढ़िया प्रदर्शन नीतीश कुमार के पार्टी कर देता तो ओजा भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रही
नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू रही और वो बिहार में भी आकर के बेहतर प्रदर्शन और अपना के मुख्यमंत्री के दावेदार बनावे के बात कर सकेले। स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह जोन बिहार खाती बाई कि नीतीश कुमार अभी भी संशय के स्थिति में बान। कहल जाता है कि उनका पार्टी के अंदर ही विद्रोह चल रहा बा, एक बात तो लगातार सुन रहा बा। इस सब के बाद जोन आवे वाला 2020 के चुनाव बड़ा उनमें तीन गो मुख्यमंत्री जोन बिहार के दावेदारी करते रहे, हालांकि बिहार में मुकाबला चतुष्कोणीय हो रहा बा, लेकिन झारखंड के त्रिकोणीय मुकाबला में जेकर गोटी लाल हुई यानी कि जे सत्ता के सीढ़ी तक पहुंची उहे बिहार में आकर के और बिहार के गद्दी पर बैठे खाती अपना के सक्षम मानी। जनता के नज़र में भी झारखंड चुनाव के बहुत ज़्यादा असर देखे के मिली, ऐसे कि झारखंड और बिहार लगभग बार बार कहते नहीं हम कि सिमिलर राज्य बा। अब पूरा दमखम जोन बा वो तीनों पार्टी लगा रहा बड़े, जहाँ एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ओजा सबसे बड़ा पार्टी विरोध में खड़ा बा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ओजा सबसे ज़्यादा जनता के बीच में भी बा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दल और भी एक आध दू गो छोटा जन दल बड़े उ सब लोग मिल करके गठबंधन बनाई, ऐसा संभावना नज़र आ रहा बा। बिहार में भी एक गठबंधन बा, महागठबंधन, हालांकि अभी तो हिलडोल हो रहा बा, लेकिन वो गठबंधन के साथ का होता, उसमें कितना सामंजस्य स्थापित होता, ये बहुत ज़्यादा असर करी बिहार के चुनाव पर। चूँकि ओजा के चुनाव खत्म भैया के बाद बिहार के रणभेरी और बिगुल जोन होला न वो फूका जाए। इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा फसल बा, चूँकि ओकर ओजा सरकार बा जी, बिल्कुल। और नंदकिशोर यादव के प्रभार देवे के पीछे कारण भी है बा कि एक तो जोन ज़्यादातर वोटर बाड़े वो पिछड़ा वर्ग से बाड़े और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि बाड़े नंदकिशोर यादव, यही कारण से आरजेडी भी पिछड़ा वर्ग के ही देखले बा और जदयू भी लगभग उहे भरोसा करता। नीतीश कुमार के छवि देखा करके झारखंड से नया एगो राजनीतिक जोन राह होला न वो राह के शुरुआत बिहार आवे वाला कर रहा बा, यानी कि बिहार से हो सकेला तो नीतीश कुमार अगर बेहतर प्रदर्शन करता रहे तो वजह से बाई प्लेन बिहार में लैंड करी हैं और बिहार के राजनीति में भी उनकर एक बार फिर से स्वीकृति हो सकेला। और अब यह सब बात के लेकर के जहां एक तरफ पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी अपन दमखम लगा ले, भारतीय जनता पार्टी तो लंबा समय से अपन शुरुआत कर ले, तू देख ले कि योग दिवस जो मनाओल गई योग दिवस में खुद प्रधानमंत्री झारखंड में पहुँचल, एक मतलब कि तू समझ सकला कि झारखंड में सरकार बनावे खातिर कितना आशान्वित और कितना जरूरी बा, खास करके भारतीय जनता पार्टी खातिर। ओ में अगर नीतीश कुमार पहुँचता रहे तो उनका पर भी दू गो बात हो रहा बा। विपक्ष के कहना बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के मिला जुला साजिश बा कि जौना से नीतीश कुमार जा करके विपक्ष के कुछ वोट काट लेस और भारतीय जनता पार्टी के फायदा पहुँचा देस, ये भी आरोप नीतीश कुमार पर लग रहा बा। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के कहना बा कि ना, हम झारखंड में अपन जनाधार बढ़ावे जा रहा बानी और हमारा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा चाही, एक खातिर हमारा ओजा सीट जीतल जरूरी बा। हालांकि नीतीश कुमार एक बात कितना ज़्यादा असरकारक होता आवे वाला झारखंड चुनाव में, नीतीश कुमार के प्रदर्शन कैसन होता, उनका पार्टी के प्रदर्शन कैसन होता, पार्टी के अध्यक्ष होके के नाते नीतीश कुमार के बड़ा जिम्मेवारी बा। अगर प्रदर्शन बेहतर होता तो बल्ले बल्ले बा, अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं के होत कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्य के तरह हो जाता तो नीतीश कुमार जी के निश्चित से किरकिरी जरूर हुई। चूँकि झारखंड बहुत दूर नहीं खे, बहुत बिहार से नज़दीक बा और ऐसा स्थिति में ये मामला निश्चित रूप से झारखंड में जेकर गोटी सेट हुई उहे बिहार खातिर गद्दी पर बैठे के सपना देख सकेला। खास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जोन बार बार हमार मुख्यमंत्री और हमार मुख्यमंत्री के बात चलता वो मामला खुल के सामने आ जाए, यानी कि आवे वाला समय में बिहार के चुनाव जो हुई 2020 में वो चतुष्कोणीय मुकाबला जो हम बार बार कहते नहीं वो देखे के मिल सकेला। तो बाबा का कहना है कि बिहार में जो सरकार बनने वाली है वो झारखंड में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। रातों रात देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।